जनाब हम बहुत गरीब आदमी, हमारे बच्चे जो हम बर्बाद हो गए, जहाँ पर दो दो साल ढाई ढाई साल खराब करते, जनाब हमें पैसे भी देते दे, हम मजदूर करते, हम नायब सिंह चढ़ी से रिक्वेस्ट करते कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। बड़कली इंस्टीट्यूट पर A1 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है बड़कली पर, वहाँ पर हमारे साथ मतलब कि फ्रॉड हो गया है। हमने 2 साल पहले एडमिशन लिया था GNM यानी कि मेडिकल कोर्स में, GNM NM कराते हैं वहाँ पे नवेद सर। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो लास्ट कदम हमारा सुसाइड होगा सबका, हम जान दे देंगे अपनी। अगर हमारी इस बात पर सुनवाई नहीं, या तो हमारी साल बचे या हमारी पैसे वापस मिले। A1 नर्सिंग एकेडमी एंड काउंसलिंग सेंटर के संचालक नवेद आलम, परवेज आलम और आलम पुत्र नियामत निवासी नांगल बिलोंडा ने करीबन 25 लड़के और लड़कियों के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट बड़कली चौक पर खोलकर ANM व GNM कोर्स कराने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर इंस्टीट्यूट बंद कर फुर हो जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत करने के लिए बेटियां नगीना पुलिस थाना में शिकायत लेकर पहुंची। बेटियों का कहना है कि हमसे 2 साल से नर्सिंग कोर्स कराने के नाम पर काफ़ी पैसे वसूले गए। पंजाब और मध्य प्रदेश में स्थित नर्सिंग कॉलेज से परीक्षा पास कराने का झांसा लगातार 2 सालों से देता रहा। आखिर में पता चला तो सारा काम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराया जा रहा था। जाली दस्तावेज बनाकर लड़का और लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता रहा। बड़कली पुलिस थाना के करीब फर्जी A1 नर्सिंग एकेडमी एंड काउंसलिंग सेंटर लगातार 2 सालों से आरोपी चलाते रहे, लेकिन आरोपियों ने अपने स्टूडेंट और पुलिस के कानों तक भनक तक नहीं लगने दी। लड़का और लड़कियों ने नगीना थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पैसे वापस कराने की मांग की है। अगर इस पर पुलिस ने जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो हमें आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। अब देखना यह होगा कब तक मेवात के जाबाज SP इन बेटा और बेटियों को इंसाफ दिला पाते हैं। देखिए आगे की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? सुनीता है जी। तो आप नगीना थाने में आए हो, आज क्यों आए हो, क्या कर रहे हैं? सर हम नगीना थाने में पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, हमारे साथ मतलब बड़कली इंस्टीट्यूट पर A1 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है बड़कली पर, वहाँ पर हमारे साथ मतलब कि फ्रॉड हो गया है। हमने 2 साल पहले एडमिशन लिया था GNM यानी कि मेडिकल कोर्स में, GNM NM कराते हैं वहाँ पर नवेद सर, और उन्होंने मतलब हमें बका के और हमारे पैसे ठग लिए और नहीं कहीं एडमिशन कराया है और नहीं हमारे एग्ज़ाम हुए। 2 साल से हमें 2 साल हो गए, हमारे फ़िलहाल 2 साल ख़राब हो चुके और अब वो यहाँ से भाग चुका पैसे लेके, इसलिए हम उसकी कंप्लेंट देने के लिए यहाँ नगीना थाने के अंदर आए हैं। तो आपने कितने पैसे जमा कराए थे? सर मैंने समथिंग 1,15,000 रुपये जमा करा चुकी मैं, साथ में सेकंड ईयर की फ़ीस दी मैंने, क्योंकि सर ये सोच के कि कहीं आगे जैसे पेरेंट्स शादी कराने लग जाए तो सेकंड ईयर की फ़ीस है जो मेरी, वो किस देनी ना पड़े, उन किसी से मांगनी ना पड़े, इसलिए तो वो सारी फ़ीस को लेकर भाग गया। और अच्छा, कहीं जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट था आपका जिस नाम से था, तो कहाँ से किसके थ्रू करा रहे थे यहाँ पर? सर वो पंजाब कॉलेज से करा रहे थे। अच्छा। हमसे ये बोला था कि हमसे कि भाई तुम्हारा जो एडमिशन है हम यहाँ पे सीट लेके आते हैं पंजाब कॉलेज से, और वहाँ यहाँ हम GNM कराते सीट लेकर। उसने हमसे ऐसे बोला, ऐसे बकाया कि हाँ भाई तुम यहाँ क्लासेस लो, एडमिशन तुम्हारे वहाँ चल जाएंगे, लेकिन उसने हमारा एडमिशन नहीं कराया और हमारे साथ फ्रॉडबाजी करके भाग गया यहाँ से। अच्छा, आपको कुछ प्रूफ वगैरह दिया था? हाँ, हमारे पास काफ़ी प्रूफ है जिससे हमें शकीन होने नहीं दिया उसने कि ये फ्रॉड है, लेकिन हमारे जब एग्ज़ाम नहीं हुए थे 2 साल तक, तब हमने इसमें ज़्यादा वो फोकस किया, तब हमने जाके इसका पता चला कि हमारे साथ सारी फ्रॉडबाजी हो रही है। अच्छा, जिस कॉलेज से आपको करा रहे थे, कभी आप उस कॉलेज गए, वहाँ विजिट किया आपने? नहीं, हम कभी बीच में बोलते थे, बहुत बार बोला सर हमें लेके चलो, हमें लेके चलो, वो हमें हमेशा ये बहाना लगा देता था कि कल चलेंगे, 1 महीना बाद चलेंगे, ऐसे ही बहाना लगा दे उसने, ऐसे ही 2 साल का। हाँ, लेकिन एक बार सर उसने बीच में ये कहा था इंस्टीट्यूट पर, मतलब वैसे ही एग्ज़ाम कराया, बोले कि ये सीट है जो तुम्हारी है वहाँ पर जाएंगी, मतलब उसने अपनी बातों में बहला के फुसला के हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम करवाए और बोले कि ये वहीं जाएंगे और तुम्हारी मतलब 6 महीने की जो वो होगी ना, जितना तुमने पढ़ा है लिखा है वो वहाँ पर जाके चेक होगा। तो अब क्या चाहते हो आप? सर हमें इंसाफ चाहिए, सीधी हमारे पैसे भी वापस चाहिए, या फिर हमारे पैसे नहीं मिले तो हमें एडमिशन चाहिए और हमारे 2022 के एग्ज़ाम भी होने चाहिए।
अच्छा, जो ये सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये लड़के भी हैं और कुछ लड़कियाँ भी हैं, सबके साथ ही? हाँ सर, ये तो अभी कम बच्चे, हम टोटल सर 25-26 बच्चे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, और जो बच्चे आ नहीं पाए किसी मजबूरी के कारण, जो सोशल मीडिया पर मतलब आने से डर रहा है या घबरा रहा है, कुछ पेरेंट्स की पेरेंट्स के सामने मतलब डरते हैं कि समाज में, इस कारण वो आ नहीं पाए सर। अंकल जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जनाब शब्बीर अहमद जी, मैं गांव रहपा से बिलोंग करता हूं। अच्छा, और थाने में आए हो आज यहां पे नगीना थाने में? और जनाब बच्चे भी क्यों आए हो यहां? जी मेरी एक लड़की थी और उसका यहां बड़कली एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन था, नवेद नाम के लड़के के पास, तो उन्होंने फर्जी इंस्टीट्यूट चला रखा। जनाब हम बहुत गरीब आदमी, हमारे बच्चे हम बर्बाद हो गए, जहाँ पर दो साल ढाई ढाई साल खराब करते, जनाब हमें पैसे भी देते थे, हम मजदूरी करते, हम नायब सिंह चढ़ी से रिक्वेस्ट करते कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते प्रशासन से, जनाब हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ बीमार हो रही हैं, सदमे में चली गई हैं, जनाब हमारे सारा पैसा दिलाया जाए, हमारे बच्चों को भविष्य खराब कर दिया, जो इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकते और सब बाप बेटों ने मिलकर हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है, हमारे लिए इंसाफ मिलना चाहिए, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और ये भी कहते हैं कि जो कुछ करना, और जब कहते हैं हम उनसे जाते हैं तो हमारे बदतमीज गाली गलौज हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए पेरेंट्स जाते हैं तो उनके पास और कहते हैं कि जा कर लो, जो भी कुछ करना है कुछ नहीं देंगे। हाँ जी, हमें बहुत ज़्यादा धमकी, हम उनके घर तक गए जी, हमारी बेइज्जती करिए जी, हमारे बहुत बदतमीज पेश आए, गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियाँ दे जी हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए। नाम है जी आपका? आदिल। तो आप नगीना थाने आए हो, आज क्यों आए हो, क्या है कारण यहाँ पर? हम इसलिए आए हुए हैं, एवन नर्सिंग एकेडमी के नाम से नावेद आलम चलाता है, कि जो कि उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, जो कि उसने हमें प्रोविजन लेटर दिया है, जो उसने खुद ने अपने से स्कैन करके दिया है, और जो हमने उसको फीस वगैरह जमा करा रखी है। और दूसरी बात, हम यहाँ कई दिनों से आ रहे हैं तो हमारी कार्रवाई भी ना हो पा रही, इसलिए हम बार बार से यहाँ बुलाए जा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्सों के पास भी गया तो उन्होंने हमें धमकाया और हमें मतलब बोल दिया कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और वो बदतमीजी से बोले वो लोग हमारे साथ में। कौन बोल रहे थे? वो परवीर नावेद आलम के पापा आलम। अच्छा, और उनके भाई भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारा एडमिशन है, तो हमने अब कॉलेज में कन्फर्म करा था, वहाँ पर हमारा एडमिशन नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो फिर आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जो हमारी साल ख़राब हुई है हमारी साल बचनी चाहिए। और आपने एडमिशन कब लिया था? मेरा 22-23 का है। अच्छा, 22-23 का जी। कितने पैसे जमा कराए थे? मेरे समथिंग 60 के आसपास हैं। अच्छा, जो और लड़के खड़े हुए हैं सब बच्चों के ही 90% फीस जमा हो चुकी है उनके पास। लड़के थे, लड़कियाँ और लड़के थे वहाँ पर, टोटल कितने थे वहाँ पर? टोटल उसमें 30-40 बच्चे थे। सबके साथ फ्रॉड हुआ है। कितने पैसे गए होंगे लगभग सबके? सबके 50+ हैं सर। अच्छा, 50+ जी। तो टोटल अमाउंट कम से कम 10 लाख होते होंगे? 10+ ही जाएगा। अच्छा, 10+ जी। तो अब आप यहाँ पे आने का मकसद क्या है? यहाँ पे आए, यहाँ आने का मकसद यह है कि हमने उसके खिलाफ यहाँ दरखास्त लगाई है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम कुछ आगे कदम, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफा है। हम यहाँ पे एवन नर्सिंग अकेडमी में बड़कली पे पढ़ते थे। यह मेडिकल कोर्स चलाता था नवेद आलम, यह बिलोंडा और पाट के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारी 2.5 साल खराब कर दी। ये बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसका स्टूडेंटों के साथ भी नाजायज संबंध था, और सबके लाख लाख 50-60-70 हज़ार रुपये खाकर भाग गया है, और अब लापता है, कहीं नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ नगीना थाने में आए हैं और यहाँ पे हमारी सुनाई नहीं हो रही, हमें 10-15 दिन हो गए यहाँ पे। उसके घर पे गए थे, उसके पेरेंट्सों ने हमें मरने की धमकी दी थी, ये बोला था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, यहाँ आऊँगा आप लोग आओगे थे, और हमें डराया धमकाया। इस वजह से हमें अपना इंसाफ चाहिए और हमें अपने पैसे वापस चाहिए, हमारी साल बचनी चाहिए। तो अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि या तो फिर वो हमारे सामने हाजिर हो जाए, और नहीं तो हम आगे तक जाएंगे, और आगे भी सुनवाई नहीं होगी तो वरना हम फिर गलत कदम उठाएंगे। हाँ, आप अभी सर मैं ये बोल रही थी, हम अपना जो हम ये कदम उठा चुके हैं ना नवेद सर के खिलाफ, अब तो वो खैर सर ही नहीं है, एक नंबर का फ्रॉडबाजी है। जो सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान ले इसमें पुलिस भी आनाकानी करती है तो हम आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन पीछे कदम नहीं उठाएंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो लास्ट कदम हमारा सुसाइड होगा सबका, हम जान दे देंगे अपनी, अगर हमारी इस बात पर सुनवाई नहीं, या तो हमारी साल बचे या हमारी पैसे वापस मिले। हमें हैंग हो रहा है।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शाहरुख है जी। आज आप नगीना थाने में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है कारण यहाँ पर? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बड़गली पे एक इंस्टीट्यूट चलता था एवन नर्सिंग एकेडमी के नाम से, उसे नवेद आलम चलाता था, कभी कभार उसका पापा भी उसे अटेंड करता था। तो वहाँ पे हमें 2-2.5 साल हुए क्लास लेते लेते, उन्होंने आज तक एग्ज़ाम नहीं कराए और वहाँ पर उसका भाई बैठता था। जब हम कॉलेज गए तो वो हमें मतलब फ्रॉड कागज़ बना कर दे देता कि अब एग्ज़ाम है, अब डेट आ गई, अब ये हो गया। तो हम वहाँ गए तो वहाँ का प्रिंसिपल हमसे क्लियर मना कर दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हारा एडमिशन ही नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे गए थे हम, कौन से कॉलेज? हम एमपी गए थे जी, शारदा नर्सिंग कॉलेज में। अच्छा, वो चला थे जी, वो कॉलेज ही बंद है 2 साल से। और जो मतलब पंजाब बच्चे थे वो भी, और मतलब वैसे भी वो अच्छा नहीं था, उसके साथ मतलब स्टूडेंट के साथ ही गलत नाजायज संबंध थे। हम जब एमपी एक कॉलेज गए थे तो वहाँ 2 स्टूडेंट के साथ, वो हमसे पहले ही वहाँ था लड़कियों के साथ। अच्छा, पहले ही वहाँ हमसे एक होटल में रुका हुआ था। तो जब हमने वहाँ देखा तो जाकर, तो हमें लगा कि उनका भाई वहाँ पर एडमिशन होगा, तो उनका एडमिशन से नहीं था, वो खाली उनके साथ अय्याशी करता था। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कितने टीचर थे यहाँ पढ़ाते? यहाँ पर टीचर 3 टीचर थे जी, एक मैम थी। अच्छा, तो इसमें कितने इन्वॉल्व और टीचर थे? नहीं, और तो और मैं वो तो सब ऐसे थे जैसे हम हैं, उनकी उसमें कोई यूनिट नहीं है, ये अकेला ही चलाता इसका, यही इसका एमडी था। इसका पापा और इसका भाई आते थे कभी कभार, वो बैठते थे वहाँ, और ये अकेला ही इसका एमडी था। कितने टीचर इन्वॉल्व हैं? टीचर इसमें 3 है जी, ये 3 बाप बेटे हैं ये खुद ही। अच्छा, ये खुद इन्वॉल्व हैं जी, और कोई नहीं इसमें बाहर का। तो अब आप क्या चाहते हो? जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, और हमारे पैसे भी चले गए हैं और साल भी चले गए। आप इस बात को जानते हो कि मैं बात में इतना तो है नहीं कि मतलब लोग बाग मतलब हम 3-3 साल खराब करके फिर पढ़ लें, इतनी तो हमारे पास छूट नहीं है। अब जो उसने किया, हमें इंसाफ चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार। आज आप नगीना थाने में आए हैं और कुछ बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैं इस पर से आया हूँ कि जो बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। एक हमारे यहाँ फर्जी इंस्टीट्यूट चल रहा है A1 इंस्टीट्यूट करके नाम से, जो कि बड़गली चौक पर है। उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि उनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर 2 साल का उनका समय बर्बाद किया, प्लस उनको ना मार्कशीट दी, ना कुछ दिया, ना सॉरी ना एग्ज़ाम कराए, ना कुछ कराया, बाकी पैसे वगैरह सब ठग लिए गए उन बच्चों से। उनको बच्चों को बहुत हानि हुई, समय की हानि, पैसे की हानि, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं चाहता हूँ कि सरकार से, अपील से, सबसे चाहता हूँ कि इन बच्चों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, इनका मुआवजा मिले, जो इनका खर्च हुआ है, समय बर्बाद हुआ है, इनको सीट मिले जहाँ पे इनका एडमिशन कराया गया। लगभग कितना खर्चा हुआ होगा इन सब बच्चों को? लगभग मान के चले 80-90 लाख रुपए सबका। 80-90 लाख रुपए बिल्कुल सबका टोटल मिला के चले तो, पर बंदे मान के चले 80-90 हज़ार रुपए। अच्छा, 80-90 हज़ार पर बंदे होंगे? टोटल बंदे हैं 24 से 25 बंदे हैं, 45 जो मेरी नज़र में है, जो 24 से 25 है, अदरवाइज और भी हैं जो कि आए नहीं है इस टाइम। अच्छा। जो इस टाइम प्रेजेंट है 24 बच्चे हैं मेरे साथ में। 24 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं मेरे साथ में, बाकी के जो अभी आए नहीं यहाँ पे, वो उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, हो सकता है वो किसी कारणवश ना आ पाए हों, इस वजह से हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते, लास्ट में आपसे एक सवाल है कि आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो इन बच्चों का समय बर्बाद हुआ, जो इन बच्चों का इंस्टीट्यूट के नाम पर जो इनके साथ खिलवाड़ हुआ, उनको इनका GNM या जो भी जिन कोर्सों में इन्हें एडमिशन कराया गया, उन कोर्सों में, उन कॉलेजों में इनको दाखिला दिया जाए और इनका एग्ज़ाम कराया जाए विद प्रॉपर तरीके से, हम ये चाहते हैं। अच्छा, ये बच्चे तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जिन कॉलेजों के नाम से यहाँ पर डिग्रियाँ बता रहे थे, इस कॉलेज से आपका वो हो रहा है, ये एडमिशन चल रहा है यहाँ पर, ये कह रहे थे बच्चे कोई फर्जी हो सब, तो वो फर्जी तो अदरवाइज से कराएं। कुछ कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन था लेकिन फीस ना पहुँचाई वहाँ। जो एडमिशन है मान के चलो, जैसे कि कह रहे हैं कि एडमिशन है ही नहीं, वो कॉलेज ही नहीं है, तो उन कॉलेजों को बर्खास्त करके नेक्स्ट कॉलेजों में कराएं।